भैया का केसरी अमर बटे 2 किलो। क्या किसे करना है? अरे सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। होली के त्यौहार पे सबसे पहले तो अपने को ये करना चाहिए भाई, पूरी बॉडी पे ऑयल या वैसलीन वगैरह लगा के ही कलर खेले। इसमें सबसे सही तो ये गुलाल रहेगी, जो पक्के कलर होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। कई लोगों को इन चीज़ों से एलर्जी भी होती है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। अस्थमा वाले पेशेंटों को कलर से भी एलर्जी होती है, स्किन पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर ये रहता है कि भाई आप गुलाल से ही कलर खेलें, लाइट कलर यूज़ करें, परमानेंट वाले कम यूज़ करें। सर किस तरह का कलर ले और किस तरह की गुलालें यूज़ करनी चाहिए? जनरली ग्रीन कलर की ज़्यादा ठीक रहती है। सर गुलाल में जैसे सर कौन सी अच्छी गुलाल होती है, जैसे अरारोट की गुलालें आ रही है? और गुलालों में तो अभी जनरली जो भी लोग बाग क्वालिटी तो अच्छी यूज करनी चाहिए। सर जैसे सर कलर खेलते हैं तो सर कैसे एलर्जी हो जाती है इससे? कलर खेलने से जो एलर्जी होती है तो उसमें एक तो पूरी बॉडी पे इचिंग होने लग जाती है, और जिस पार्ट पे गुलाल लगा दे वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। जिस जगह गुलाल लगती है वहाँ पे रेडनेस आ जाती है स्किन में, इंटेंस इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली ज़्यादा होती है उसमें। सर क्या संदेश देना चाहते हो त्यौहार के? त्यौहार पर मैं यही संदेश देना चाहूँ कि गुलाल से होली खेलें। होली खेलने से पहले पूरी बॉडी पे किसी भी प्रकार का मॉइस्चराइजर है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये लगा के फिर ही खेलें। सर जैसे पानी से भी खेली जाती होगी? हाँ, पानी से खेले तो सबसे बेटर है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर हेमचंद, जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर।